मजा है। मैं किसका डीजल चू रहा है वहां पर? डीजल, हाँ डीजल भी चू रहा है और अंदर शीशा होता भी। लगता है कि भागा जगह मुर्गी बकरा कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का नजर लग गया है। बड़े छोटे सभी लोग एकदम गजा के सुंदर जोहार स्वागत करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग को खाना पीना मिल रहा होगा तीनों टाइम का। तो खाना खाने के लिए काम करना पड़ता है, तो वही मैं अभी काम करने के लिए जा रहा हूँ। इधर से मेरा दोस्त अभी आएगा टेम्पू में पूरा एकदम सामान लोड करके, उसके बाद हम लोग इधर अभी जाने वाले हैं। तो मैं अभी यहाँ पर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ, आएगा तो हम लोग चलेंगे। दिख रहा होगा पहुँच गया है अपना पलटन यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए क्या हम लोग लेके जा रहे हैं। ये वाला पटरा है, ढलाई उलाई में यूज होता है, वो वाला पूरा फूल हो गया है, ऊपर बस लोड नहीं किया है। क्या रुपये कमाया भाई सुबह से? ऊपर का नहीं कमाया, अब शुरुआत है। और देख लीजिए रांची का रिंग रोड यहीं पर हम लोग अभी चल रहे हैं। ये हम लोग का गांव का चौक है, इसको बालों चौक बोला जाता है। इधर से जाइएगा तो नगड़ी एक क्षेत्र है, वहां पर लोहरदगा गुमला जाएगा। सुनने में आ रहा था कि हेमंत सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 50 लाख महिलाओं को मतलब महीना 1000 देने का, साल का 12000 देगा। तो कम से कम हम लोग को उसका आधा भी दे दो, एक साल का 6000 है, मतलब एक महीना का 500 रुपया, तो खुशी लगेगा। कम से कम रिचार्ज, बहुत रिचार्ज करने कभी कभार सोचना पड़ता है। ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है भाई, इसका भी दुख है ना भाई? सही बात है, मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे एकदम बेरोजगार लड़कों का दुख है, रिचार्ज कहाँ से करे और रिचार्ज करके रील कहाँ से देखे। और यही रोड से हम लोग का गाड़ी फंस गया था, फिर से फंसेगा, क्या करेगा पता नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा रोड खराब है, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पर रुक चुके हैं, और वहाँ पर आगे पानी भी जमा हुआ है देख सकते हैं। और हम लोग डर के मारे टेम्पू को पीछे खड़ा किए हैं, और यहाँ पर देखिए ढकलने के लिए मिस्त्री लेबर और हम लोग मतलब मिला के सब लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि नहीं फंसे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, पीछे जो बिल्डिंग बन रहा है ना, यहीं पर हम लोग सामान खाली करने वाले हैं, ये वाला पटरा को। तो चलिए खाली करते हैं, उसके बाद में फिर से दूसरा ट्रिप के लिए चलते हैं। आधा खाली हो चुका है, इतना खतरनाक वाला गर्मी लग रहा है ना, अभी का टेम्परेचर लगभग 28-29 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा धूप अलग है किस्म के, अंदर से पूरा एकदम चिड़चिड़ापन, एकदम लठ 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 लठ, क्या कहें ना भाई, लठ लठ हवा ही लग रहा है। तो अभी हम लोग पूरा खाली कर चुके हैं, और मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, मैं यहाँ पे बिस्तर बना लिया सोने के लिए। पसीना से इतना खतरनाक वाला सेंट आ रहा है ना, अभी दूसरा लोटरी है, और वहाँ पर आधा थोड़ा सा भर चुका है, और पीछे यहाँ पर जो है ये सब को लोड करके लेके जाने वाले। थैंक यू। तो मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा ठंडा कर रहा है, पूरा बादल बादल कर रहा है, पहले जैसा पूरा एकदम फुल लोड नहीं किए हैं, अभी दूसरा ट्रिप में इसको थोड़ा सा आधा लोड किए हैं, लेकिन फिर भी फंसेगा बोल के हम लोग यहाँ पर रुक चुके हैं। पहले जहाँ पर हम लोग रुके थे और आदमी आया था, एक बैड न्यूज है, थोड़ा सा गर्मी से राहत तो मिला है, लेकिन गर्मी से राहत देने के बजाय वो थोड़ा सा पानी ज्यादा दे दे रहा है। पानी ज्यादा आएगा तो मेरा जो रोड है जहाँ पर गाड़ी फंसता है वहाँ पर दिक्कत होगा। इधर आप लोग को दिख रहा होगा बहुत ही स्पीड से आ रहा है पानी, पूरा बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहा है। और देखिए कितना रफ्तार से पानी आ रहा है, पूरा सब भींग गया है, पूरा एकदम सब पूरा सामान जितना लाया था। फिर से स्वागत है आप सभी का, आज है दूसरा दिन, कल तो पानी आ गया था इसीलिए काम नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से जाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम साफ साफ किया है। और यहाँ पर इसको मैं अभी दूध पिला रहा हूँ, ये वाला गाय वाला दूध है, क्योंकि इसकी माँ पूरा सीरियस है, इसीलिए इसको अभी गाय वाला दूध ला के हम लोग पिला रहे हैं। इधर देखिए ये तेरे के फिनिश। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर टेम्पो में, खाना पीना खा के मेरा दोस्त भी खाना पीना खा के आ चुका है, तो कल जो काम बचा हुआ था वही वाला काम को आज हम लोग फिर से जा रहे हैं करने के लिए। और आज है 14 अगस्त, झंडा जो देख पा रहे हैं तिरंगा झंडा है, जो यहाँ से CRPF वाला रोड में जा रहे हैं, तो उधर है हम लोग का कैंप, वो जो बड़ा वाला पहाड़ जैसे दिख रहा है ना वही वाला है, वहाँ पर एक कैंप है CRPF कैंप, तो वही वाला यहाँ पर कुछ निकाले थे होंगे, लेकिन आज 14 तारीख है, कल है 15 तारीख ना रे भाई। सीधा पटरा लोड करने के बाद में अभी ऊपर बल्ली लोड कर रहे हैं, जो एकदम छत ढलाई के लिए यूज होता है 10 फीट वाला, तो एकदम 50 ठो लेके जा रहा है यहाँ से। लोड करने का तो कर ले, इस बार मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिल रहा है, गाड़ी पूरा एकदम पूरा स्पीड से नहीं जा सकते हम, धीरे धीरे जा रहे हैं जान बुझ के, क्योंकि ऊपर अच्छा खासा लोड है ना, बांस भी है पटरा भी है, इसीलिए।
एक साइड हो गया टेम्पो, टेम्पो पूरा एक साइड में टेढ़ा हो गया है और इस साइड पूरा गड्ढा है। यहाँ पर कोई नेव गड्ढा वाला था वही वाला पूरा घुस गया है वहाँ पर। लग रहा है कि आगे बढ़ेगा तो टू वाला चक्का उठ जाएगा ऐसा लग रहा है उस साइड का। इधर अभी आप लोग हम लोग का कारनामा देख पा रहे होंगे, पूरा एक साइड पूरा जमीन टच हो गया है। यहाँ पर देखिए ये वाला गेट है, गेट का पूरा जमीन टच हो गया, पूरा एक साइड में पूरा डाउन हो गया है। एक साइड का चक्का इतना बैठ गया है ना, यहाँ पर बताया था पूरा नाला कोड़ा हुआ है तो अंदर चल के निकालने के लिए डर लग रहा है क्योंकि अगर ज्यादा एक्सलेटर देंगे तो उलट जाएगा इधर 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 ऐसा लग रहा है। मैं चला रहा था उस समय बोल रहा था कि एकदम स्पीड से तू गढ़ा ढोड़ा में पार कर रहा है उल्टे का, लेकिन आपने खुद घुसाया था अभी। धीरे चल भाई, फिर से रोड खराब है। भाई लोग रोड इतना खराब है कि टेम्पो पलट गया, पता नहीं कुछ ना कुछ तो जरूर नुकसान हुआ होगा, फिर निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे उठ उठ, अरे हालत खराब हो जाए। किसका नहीं नहीं ले आइए कार भाई, उठा दे भाई। ऐसे हम लोग अंदर थे, अंदर तो कुछ उतना नहीं हुआ है लेकिन चारों तरफ एक बार घूर के देख लेता हूँ राउंड मार के, कुछ तो नुकसान नहीं हुआ। डीजल चूरा है वहाँ पर, डीजल हाँ डीजल भी चूरा है और अंदर शीशा उसका भी थोड़ा ठीक ही है सस्ता। उतना क्या स्पीड से एकदम पूरा ऐसे कल एकदम धीरे धीरे ऐसे हुआ है तो उतना लग रहा है कि उतना नुकसान नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाँस सबको एक बार उतार दें उसके बाद तीन चार आदमी कहीं से बुलाएंगे तो ये पलट जाएगा, उसके बाद दोबारा ही रोड में नहीं आना चाहेंगे। काम बताएंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है। इधर से चक्का एक गड्ढा यहाँ पर थोड़ा सा इतना गड्ढा था वो एक ही बार घुस गया है अंदर, इसीलिए पलट गया धीरे 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 करके। लगने का तो नहीं लगा है, थोड़ा बहुत खरोच रोच आया है। तो क्या लगा भाई? नहीं लगा हमको। किसको बुलाएंगे समझ में नहीं आ रहा, आदमी उदमी कुछ नहीं दिखता है यहाँ पर। हम लोग को जाना है यहाँ से कम और 200-250 मीटर है। जब गाड़ी नया खरीदाया था उस समय मैं नहीं बताने सका था कि इधर क्या क्या है, अभी आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पर देखिए इसका इंजन में क्या क्या दिया गया है, इतना पूरा एकदम झोला झाल लंकड़ लदरी पोटा सब यहाँ पर है। तो इसी से चलता है टेम्पो। अभी मेरा दोस्त फोन कर रहा है, आदमी बुला रहा है, तब तक मैं खाली करता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि मतलब कि उठाने के लिए आसान होने, तो लोड में नहीं उठेगा गाड़ी। अगर और तीन जन आदमी रहेगा तो हो जाएगा, दो जन इधर दो जन उधर, तो इधर से हम लोग इधर से एक जन से उठाएंगे एक साइड से, इधर से एक साइड से उठाएंगे और एक साइड उधर खड़ा रहेगा, मतलब एक ही बार बैठने नहीं देगा गाड़ी को, आराम से बैठेगा उन। हम लोग दो जन में तो नहीं होता, अभी तीन को भैया सब आए थे उसके बदौलत हम लोग इसको उठा के पलटा दिए फिर से, मतलब पलटा था उसको सीधा किए। आप लोग मिस्त्री है दादा? अच्छा, कुछ नुकसान हुआ है क्या? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, बैंड हुआ हल्का सा, हाँ हम लोग का दोबारा काम बढ़ गया। अभी सोच रहे हैं कि दो ट्रिप करके लेके जाए, एक ट्रिप में पटरा को बस लेके जाएंगे और दूसरा ट्रिप में ऊपर बस को, मतलब कि अगर दोनों को एक ही साथ लेके जा रहे हैं तो रोड आगे तो और ख़राब है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये वाला रोड कच्चा वाला रोड है, कोई पक्का रोड नहीं है, ऐसी वाला रोड है आगे भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन फिर पलट गया तो फिर किसको बुलाएंगे, बार बार तो कोई नहीं आएगा ना अपना काम धाम छोड़ के। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं, क्या बोलता है तुम? हाँ दो ट्रिप करनी पड़ेगी। यहाँ के ओ भट्टा इस वाला घर में काम हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग को यहीं पर पहुँचाना था, बांस को और एक बार लेके जाना पड़ेगा। पटरा को खाली करने के बाद में टेम्पो को फिर से ला चुके हैं, जो बांस बचा था उसका भी फिर से लेके जाएंगे और इसको लोड करके लेके जाने के बाद में अगर कहीं कॉल आएगा तो जाएंगे। लगता है कि भागा जगह मुर्गी बकरा कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का नज़र लग गया है। लग गाड़ी तो पलटवे किया, साथ में अभी चाका भी वाला पंचर हो चुका है पूरा, हवा भी कम हो गया, एक स्टेपनी है उसका भी खोलना पड़ेगा, मतलब उसको निकालना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसे तो ट्यूबलेस है ना भाई?
ट्यूबलेस है, लेकिन अभी लोड भी कर दिया है बांस, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर। और इसके नीचे सीट के नीचे थोड़ा सा जगह दिया है स्टेपनी रखने के लिए। अभी जो देख पा रहे हैं इसको जैक बोला जाता है, इससे गाड़ी उठेगा। अभी चक्का खोलो, चक्का खोलो। हो जाएगा। अंदर से निकाल चुके हैं अभी नया वाला को। खाली करने के बाद में अभी हम लोग आ चुके हैं पंचर बनवाने के लिए। जो पंचर हुआ था ना, और वही चक्का गढ़ा में घुसा था और वही चक्का पंचर हुआ था। उस चक्का का किस्मत खराब था हम लोग का नहीं। और यहाँ पर वहाँ पर खोल कर रख दिए हैं। अरे पंचर वाला भाई यहाँ पर अंदर गया है तो बनाएगा इसको।